तमाम पैसा व्यय हुआ सरकार के द्वारा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की जो असली जन्मभूमि है यहाँ के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक भी रुपया का जो है योगदान यहाँ नहीं हुआ। तो तुलसी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, मैं गुरु निज पुनि सो सन सुनी कथा सो सूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन तब अति रहे अचेत। अत्यंत अचेतन अवस्था में उन्होंने सूकर खेत में अपने गुरु नरिहर दास से कथा सुनी थी। वो दुबे पहले से थे, गोस्वामी लिखते थे और यही का पूरा प्रमाण, उनका पूरा परिवार भी है, जमीन भी है तुलसीदास जी के नाम से। तुलसीदास जी के नाम जी, से जी। कितनी जमीन है? 27 एकड़। रामचंद्र जगरू यहाँ के डीएम थे, उन सबका ये पत्थर तोड़वा के भगवताचार्य ने गायब करवा दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म गोंडा के परसपुर क्षेत्र के राजापुर गांव में हुआ था, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। हालांकि चित्रकूट में भी बातें की जाती हैं कि उनकी उनका जन्म वहां पर भी एक गांव में हुआ था, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रमाण है और उसी को लेकर यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र को विकसित करने का कार्य 2017 से शुरू हुआ। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर एक पत्थर लगाया और उसके बाद यहाँ पर कुछ कार्य शुरू हुआ। लेकिन अभी यहाँ की क्या स्थिति है, यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे आप लोग का ये मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म यहीं पर हुआ था। जी जी बिल्कुल। कैसे मानते हैं, क्या क्या प्रमाण लगता है? प्रमाण गुरु नरिहर आश्रम जी, तुलसीदास जी के ससुराल कचलापुर, दूसरा सरूपारी ब्राह्मण जी। अलग प्रमाण कोई है नहीं जी, अलग जो है जमुना नदी है, यहाँ सरयू जी हैं, सरूपारी ब्राह्मण हैं, इनके परिवार भी यहीं पे हैं, सारे प्रमाण यहीं के हैं। अवधी भाषा बांदा हो या कहीं भी हो, वहाँ अवधी भाषा ने अवश्य मिला हुआ है, अवधी भाषा में सारी रामचरितमानस लिखी गई है। अगर अलग के होते तो खड़ंग भाषा में लिखी जाती जी, जितनी उनकी ग्रंथ हैं सारी अवधी भाषा में। जैसे कहने की अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया, अपनी बोलचाल की जो भाषा है वो भी अवधी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हम लोग अवश्य हैं, अवधी भाषा हम लोगों की है, रामचरितमानस भी अवधी भाषा में है, तो सारे प्रमाण यही के मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो ये विकास कार्य अभी देखने को मिल रहा है, कुछ चीजें बनाई गई लेकिन अभी सब ये टूटा फूटा ही पड़ा हुआ है, ये सब कब से चला, कैसे क्या हुआ, अभी तक यहाँ पर क्या हुआ? अब राजनीतिक कमी के कारण जितने आज तक राजनेता हुए किसी ने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से पिछड़ापन पिछड़ापन ही रह गया। बांदा कर्म भूमि है, ये जन्मभूमि है। गुरु नरिहर आश्रम मात्र यहाँ से 6 किलोमीटर है, जहाँ से उन्होंने शिक्षा ली माननीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो जो अभी यहाँ पर ये जो स्थिति है, जो आपने कहा राजनीतिक कारण जी जी, क्या हो सकता है ये आखिर राजनीतिक कारण, या जो उपेक्षा का शिकार है ये पूरी की पूरी जन्मस्थली? अभी कभी भी सरकार ने यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जी। अलग अलग तमाम पैसा व्यय हुआ सरकार के द्वारा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की जो असली जन्मभूमि है यहाँ के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक भी रुपये का जो है योगदान यहाँ नहीं हुआ आज तक। परिचय भी अपना दे दीजिएगा। मैं कमलेश कुमार सिंह, प्रधान ग्राम प्रधान राजापुर। अच्छा, यही के प्रधान है भाई साहब। आपका परिचय? विजय कुमार चौबे, बद्दूपुर राजापुर, यही के निवासी हैं, तपस्वी धाम जी, यही के निवासी। आप लोग का भी मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म यही हुआ था? नहीं, ये सच्ची बात है, यही कहा है, सब सारा प्रमाण है, यहाँ जम्बूद्वीप है, सरजू नदी है, उनकी ससुराल है, नरिहर दास की वो कुटी है जहाँ से उन्होंने वो शिक्षा ली थी, और ये 12 भगवान का स्थान है, 12 ही देवी का स्थान है, ये जो जम्बूद्वीप भारत खंडे आर्जावर्ते जो है, ये सारा यही का प्रमाण है, और ये 84 कोस परिक्रमा में भी आता है जी। अवधी भाषा का प्रयोग है उसमें, रामचरित मानस में सब लोग वहीं के हैं, उनका खानदान पूरा दुबे का परिवार जो है, वो दुबे पहले से थे, गोस्वामी लिखते थे, और यही का पूरा प्रमाण, उनका पूरा परिवार भी है, उनके नाम से यहाँ कुछ जमीन भी है तुलसीदास जी के नाम से। तुलसीदास जी के नाम जी, से जी। कितनी जमीन है? 27 एकड़ प्रधान जी। हाँ, 135 बीघा। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि 2017 के का एक वो यहाँ पत्थर लगा है, पर्यटक तो स्थल इसको स्थगित किया गया था, लेकिन वो थोड़ा विधायक जी लल्ला भैया के कर कमलों द्वारा, और वो कौन थे डीएम उस समय? नवनीत सहगल। नहीं, थोड़ा हमको ये बताइएगा, जैसे कि जब इसमें यहाँ निर्माण कार्य चालू हुआ, तो अभी जो ये इस तरह जर्जर पूरा पड़ा हुआ है, अर्धनिर्मित पड़ा हुआ है, ये क्यों ऐसे पड़ा हुआ है, इस तरह इसकी हालत अभी यहाँ के राजनेता जाने कि ये क्यों ऐसा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो लोग सब आगे चल के बीच बीच में तुलसी जयंती या कुछ करते थे प्रोग्राम,
और उसके बाद में फिर ये अभी ये मंदिर रहा उसको तोड़वा दिया गया, अब ये बन रहा है लेकिन अब ये पैसा के अभाव में रुका हुआ है। अच्छा, जिस तरह तुलसीदास जी की रचनाओं को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं, लोग उस पर बात कहते हैं, तो किस तरह इसको आप देखते हैं, क्या मानना है आपका? अब हम तो रामचरितमानस को मानते हैं और उसका पूरा आधार यहाँ मिलता है, जो कुछ है उनका पूरा खानदान मिलता है, तो हम लोग तो यही मानते हैं। लेकिन अब इतना हम लोग है नहीं कर्मशाली की जो सारा बजट या सारा कुछ भी कर सकते हैं। भैया स्वामी प्रसाद मौर्य जो नेता है वो तुलसीदास जी को लेकर या उनकी रचनाओं को लेकर हमेशा विवादित बयान देते हैं। उनके अल्प ज्ञान का परिणाम है, सबसे बड़ी चीज है। अभी तक आज तक जितनी भी वर्ड उन्होंने बोले हैं कभी मतलब तथ्य पर नहीं बोले हैं, बेतथ्य बोले हैं। रही बात तुलसी जन्मभूमि की, तो तुलसी जी ने रामचरित मानस में लिखा है, मैं गुरु निज पुनि सो सन सुनी कथा सो सूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन तब अति रहे अचेत। अत्यंत अचेतन अवस्था में उन्होंने सूकर खेत में अपने गुरु नरिहरदास से कथा सुनी थी, और जब वो अचेतन अवस्था में कथा सुनी तो उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी वाहन की कि वहां से आकर और यहाँ जो है वो अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करते। बाकी गुरु नरिहरदास का आश्रम है, गुरु नरिहरदास जी की कुटी यहाँ बनी हुई है हमारे यहाँ पसिका में, जो सूकर खेत है। भगवान बारह का अवतार हुआ था यहाँ, भगवान विष्णु का अवतार हुआ था। अभी पौष पूर्णिमा पर बहुत बृहद स्तर पर मेला भी लगता है, लोग स्नान करते हैं और मान्यता ये है कि लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और रही बात इस स्थल के विवाद के बारे में, तो इस स्थल का जो सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार के द्वारा ये विवादित ठहराई जा रही है, और हमारे यहाँ के जो भी नेता हुए चाहे जिस भी पार्टी के हुए उनकी उदासीनता सबसे प्रमुख कारण, उसकी यहाँ के नेताओं की उदासीनता है ना, वो लोकसभा में यहाँ का मुद्दा उठाते हैं और ना विधानसभा में मुद्दा उठाते हैं और ना खुद एक्टिव होके यहाँ आते हैं कि एक्टिव होकर आकर यहाँ कुछ करें। और दूसरी चीज, यहाँ के एक जो हमारे इस समय संरक्षक हैं यहाँ के डॉक्टर स्वामी भगवताचार्य जी, उनको यहाँ के लोगों से मतलब नहीं है और आक्षेप लगा देते हैं कि यहाँ के लोग कभी मदद नहीं करते हैं। मंदिर बन रही है वो भी आए हमारे साथ चलें, राम जन्मभूमि के स्तर पर चंदा लें, हम लोग भी उनके साथ चलेंगे और चंदा गांव गांव चल के चंदा लेंगे और मंदिर बनेगा, उसका भव्य निर्माण होगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो खुद मतलब साथ लेकर चलना नहीं चाहते हैं। यहाँ के संरक्षक हैं भगवताचार्य जी, उनका कोई सहयोग नहीं मिलता आप लोग को? जी उनका सहयोग, उन्हीं का सहयोग है, जो भी बन रहा है उन्हीं का सहयोग है, लेकिन वो यहाँ के जन सहयोग को लेकर नहीं चलना चाहते हैं। उनसे हम लोगों ने कई बार कहा कि अपने जो है कमेटी अपनी टीम को हम लोगों के सामने प्रस्तुत कीजिए कि यहाँ का लोकल भी कोई है आपके उसमें कि नहीं है, तो पता चलता है लोकल कोई है नहीं, और उन्होंने आज तक वो तथ्य हम लोगों को दिखाया नहीं। एक तरफ जहाँ रामचरितमानस के जो रचयिता थे तुलसीदास जी, उनकी ये जो जन्मस्थली है, जो दावा किया था कि जन्मस्थली है, वहीं दूसरी तरफ 84 कोसी परिक्रमा में भी आता है, और दूसरी तरफ बगल में ही अयोध्या है आपका, भगवान राम का मंदिर जो बन रहा है, भव्य निर्माण हो रहा है, किस तरह देख रहे हैं आप जो ये जो जन्मस्थली पड़ी है इसे? यहाँ तो जन्मस्थली जो है विवादित यहाँ के लोगों द्वारा है, क्योंकि यहाँ के सांसद जब मुरारी बापू 2014 में कथा कहे उसके बाद सांसद जी ने कुछ प्रोग्राम था ना कि हम इस मंदिर को भव्य बनाएंगे, तो भगवताचार्य ने स्वयं इसको रोक दिया है। भगवताचार्य जिसने भी यहाँ के पत्थर लगे, जो डीएम शुरू में थे उनका क्या नाम रहा बाबा, और पहले रामचंद्र चक्रू यहाँ के डीएम थे, उन सबका ये पत्थर तोड़वा के भगवताचार्य ने गायब करवा दिया है। यहाँ के ना स्थानीय लोगों का नाम रखा है और ना यहाँ कुछ करना चाहते हैं वो, इसके जगह पर वो अलग से इससे अच्छा मंदिर वो लखनऊ में बनवा चुके हैं, इससे अच्छा मंदिर, केवल वो इसकी राजनीति कर रहे हैं, भगवताचार्य से कुछ लेना देना नहीं है उनका। जो पुराने यहाँ पर जो पत्थर वगैरह लगे थे, जो पुराना निर्माण था उसको तोड़वा दिए, वो जानबूझ कर तोड़वा दिया। हाँ, जानबूझ कर तोड़वा दिया। क्या कह रहे भैया? वो जमी दोष कर दिया गया, अवैध रूप से तोड़ा गया, पूजा प्रतिंगा के बगैर ही कोई बगैर किसी नियम भाव के, वो जैसे लावारिस चीज को तोड़ा जाता है उस तरह से उसको तोड़ा गया है। जैसे यहाँ पर कुछ ताम्र पत्र वगैरह भी मिले थे, ऐसा कुछ दावा किया जाता था, कुछ पुराने ताम्र पत्र मिले थे, क्या था वो पूरा मामला? वो इस समय जो यहाँ देख रेख करते थे उनके द्वारा गायब मिला था, क्या मिला था? हस्तलिखित पन्ना उनके द्वारा लिखा गया। जी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो हस्तलिखित पन्ने थे, अब किसके पास है किसके पास नहीं है, लेकिन वो क्योंकि थे लेकिन अब गायब हो चुके हैं। नहीं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो नरिहर आश्रम पे था कुछ उसके पन्ने राम जानकी घाट पे
मंदिर पे वहाँ वहाँ मौजूद आज भी है। अब पुजारी से पता करना पड़ेगा, वो राम जानकी घाट जो है सरजू के किनारे जो बना है, नहीं नरिहर आश्रम में तो हाँ बताइए आप बताइए। अच्छा दादा, आप किस तरह का विकास चाहते हैं यहाँ पर? यहाँ विकास चाहे थे, भव्य मंदिर बनना चाहिए, धर्मशाला बनना चाहिए, 84 कोस परिक्रमा यहाँ यही मार्ग है, ये मार्ग हो चाहिए यहाँ पर, ये मार्ग पीछे निकाल दे, यहाँ से टाल दे, 84 कोस मार्ग रात विश्राम करते हैं। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के हस्त लिखित रामायण नरिहर आश्रम पर आज भी मौजूद है अधिकांश पन्ने। कुछ पन्ने का विकास चाह रहे हैं अब? विकास प्रधान भी है, विकास यहाँ पूर्ण रूप से हम लोग चाहते हैं। जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग निकला उसको हटा दिया गया। आप बताएं किस तरह का विकास चाह रहे हैं? अरे मंदिर पहले सबसे पहले तो मंदिर बनना चाहिए, और उसके बाद में भाई जब मंदिर बनेगा तो यहाँ आना जाना भी होगा, तो यहाँ बस स्टाफ भी होना चाहिए और यहाँ रेलवे स्टेशन भी होना चाहिए, क्योंकि विकसित किया जाए जी, क्योंकि आप भाई किस तरह देख रहे हैं आगंतुकों को, आगंतुकों के लिए ये 84 कोसी परिक्रमा में आता है, अवध क्षेत्र में आता है, हमारी राम जन्मभूमि बृहद बनाई जा रही है, तो पर्यटक आए उनके लिए जो है हम ये चाहते हैं कि ये अयोध्या की तर्ज पर इसको विकसित किया जाए। तो अब ये यहाँ के लोग हैं, उनका ये साफ तौर पर दावा है, ये मानना है उनका कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे उनकी ये जन्मस्थली है, इस जन्मस्थली को लेकर तमाम विवाद है, जो यहाँ के संरक्षक भगवताचार्य हैं उन पर भी कुछ बातें यहाँ के लोगों ने कही हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे में ये एक बात भी कहा जा सकता है कि ये 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में ये जन्मस्थली जिसका दावा किया जा रहा है वो आ रहा है, यहाँ से 84 कोसी परिक्रमा मार्ग यानी कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 तारीख को भव्य आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या बहुत तेजी से सज रही है, लेकिन 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में ही जिन्होंने रामचरित मानस को लिखा था, उन्हीं रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास जी की जो जन्मस्थली है वो अभी भी उपेक्षा का शिकार है और अधर में ही लटकी पड़ी है।